हाय फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश सर, मधुबनी बिहार से। इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस अग्रवाल बुक के डिफरेंशिएशन टॉपिक एक्सरसाइज 10A। जो पिछले वीडियो में आज तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मान लो वाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है तो डिवाइड बाय डीएक्स का मान निकालो। जी हाँ, इससे पहले कई बार हमने चर्चा कर चुका हूं कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है उसका मतलब है कि वो कॉस एक्स क्यूब का पूरा का पावर 2 है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो टोटल का पावर 2 हो गया। क्यूब जो है वो एंगल में है, एक्स का केवल पावर 3 है। ठीक है, अब चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स से इधर भी गुना किए और डी बाई डी एक्स से इधर भी गुना कर रहा हूं। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी कॉस एक्स क्यूब का होल पावर 2 बट्टा डी एक्स। कई बार ये फॉर्मूला पढ़ चुका हूं, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। क्या सीखे कि जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में। फिलहाल किसका पावर है, कॉस एक्स क्यूब का ना 2, तो कॉस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे डी कॉस एक्स क्यूब का पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू डी कॉस एक्स क्यूब, डी कॉस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में होते उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब लग रहा है ये डी एक्स का पावर एन क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब एंगल में जो भी एक्स है वही एक्स लिखेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, थ्री एक्स रहेगा तो थ्री एक्स लिखेंगे, और ये हो गया एक्स का पावर एन कंसेप्ट, तो हो गया एन एक्स का पावर एन माइनस 1, ये हो गया 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x². तो देखो भाई माइनस उठा लो वहां से 3x², अब क्या बचा 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा की जगह एक्स क्यूब है। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, यही है बिल्कुल ही। लेट वाई इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी हाँ बिल्कुल, ये लग रहा है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब की तरह, कॉस स्क्वायर की जगह सेक क्यूब है और एक्स क्यूब के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो चाहिए अभी क्या चाहिए, डिवाइड बटा डी एक्स। जी हाँ, हमरा चाहिए u है ना। अब देखो चूंकि वाई बराबर इसको क्या लिख सकते हैं आप, से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो तो हो गया ये डी बट्टा डी एक्स किसका, वाई का, जो क्या डी बट्टा डी एक्स किसका, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल पावर 3 का। इधर तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 किसके बट्टा डी एक्स। हम जानते हैं भाई कि जिसका पावर हो उसके रिस्पेक्ट में, तो पावर है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर है ना 3, तो सेक वाला के रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में, माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब लग रहा है डी एक्स का पावर एन, तो क्या होता है एन एक्स के पावर में एन माइनस 1, सेक एक्स का होता है सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स, एक्स के जगह जो है वही, एक्स के जगह तो जो एंगल है वही लिखेंगे। और देखो भाई एक्स स्क्वायर का अलग अलग डिफरेंस है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 कांस्टेंट है 0,
पूरा मिला हो गया थ्री sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला टर्म sec एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये और इंटू टू एक्स, एक साथ गुणा करें तो दो तिया छ एक्स sec क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यूब, क्यों? क्योंकि दो और एक तीन को हो गया ना, इस तरह से डिवाइड कर दिया। चलो आप 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर है कि लेट y इज इक्वल टू रूट के अंदर में cos 3x, रूट के अंदर में cos 3x, वहां से हमें चाहिए dy by dx। जी हाँ, y इज इक्वल टू रूट अंडर cos 3x, हमें चाहिए dy by dx। भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आठवां था, वहां क्या था सीधा रूट के अंदर में टेन एक्स था, अभी क्या है कॉस थ्री एक्स, कोई अंतर नहीं, हम जैसे सब दिन कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। चलो भाई, चूंकि वाई इज इक्वल टू गया रूट के अंदर में कॉस थ्री एक्स, डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, आप यहाँ पे पूरा लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन्हें जो हमने लगा तो ऑनलाइन मारिया तू लिख देव, अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो भाई d बटा dx से गुना करेंगे, इधर भी d बटा dx से गुना करेंगे, किसमें? रूट अंडर cos 3x में, क्या हो गया ये dy by dx, हो गया d रूट अंडर cos 3x by dx। फॉर्मूला कब बनेगा जब रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो हो गया d रूट अंडर cos 3x by d cos 3x into d cos 3x by d 3x, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में, और इनटू फिर d 3x by dx, है ना, ये हो गया रूट x का 1 by 2 रूट x, फिर cos x का माइनस में साइन 3x और 3 गुने x का 1, है ना। अब ऊपर में कैसे हो गया भाई, माइनस में 3 साइन 3x और नीचे हो गया 2 रूट अंडर cos 3x, यही तो हमारा dy by dx है। इस तरह से अब आप 19 और 20, इस वीडियो में बस 19 और 20 दो ही क्वेश्चन और बताओ। तो चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लो y बराबर क्यूब रूट साइन 2x, हो रूट के अंदर में साइन 2x और करनी घात 3, जी हाँ क्यूब रूट साइन 2x हो तो dy by dx बताओ। ये 8th-9th कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कि घातांक पर करनी चैप्टर में, इसको क्या करते हैं y बराबर लिख देंगे साइन 2x के पावर में 1/3। जी हाँ, अब इसको दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx से गुना किए y में, फिर d by dx से गुना करेंगे साइन 2x के पावर 1/3 में, तो ये हो गया आपका dy by dx, ये हो गया d साइन 2x के पावर 1/3 by dx। क्या जानते हैं, जिसका पावर हो उसके रिस्पेक्ट में x के पावर n का, अर्थात sin 2x का पावर है ना, तो sin 2x के रिस्पेक्ट में, तो गया d sin 2x के पावर 1/3 बटा हो गया d sin 2x into d sin 2x by d2x into d2x by dx। तो ये लग रहा है x के पावर n, तो क्या होता है n x का पावर में n माइनस वन, साइन टू एक्स का हो गया कॉस टू एक्स और टू इंटू वन हो गया 1/3, साइन टू एक्स के पावर माइनस 2/3 और ये हो गया टू कॉस टू एक्स, इसको अगर नीचे कर दें तो क्या हो गया टू कॉस टू एक्स बाई 3 साइन टू एक्स के पावर में 2/3, यही हमारा dy by dx है। ठीक है दोस्त, चलो एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का देख रहा हूं, 20 नंबर, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot x, तो वहां से हमें चाहिए dy by dx। जी हाँ, y बराबर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस cot x, ठीक है, वहां से dy by dx, बिल्कुल जैसे 18 नंबर क्वेश्चन था, आठवां क्वेश्चन था कि रूट के अंदर जो हो उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करूंगा यहां पे, चूंकि y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot x, डिफरेंशिएट करो भाई, लिख दिया यहां पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यह बात हमें का लाइन नहीं मारिया, लिखो तो हो गया d by dx y में, फिर
फिर डी बाई डी एक्स किस में, रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स में, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स बट्टा डी एक्स। क्या जानते हैं रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर तो हो गया फिलहाल वन प्लस कॉट एक्स, तो डी वन प्लस कॉट एक्स बाई डी वन प्लस कॉट एक्स इंटू डी वन प्लस कॉट एक्स बाई डी एक्स। क्या लग रहा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, तो वन प्लस कॉट एक्स, और भाई यहाँ के यू प्लस बी तो वन का अलग से डिफरेंशिएशन और कॉट एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, तो हो गया वन बाई टू रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स इंटू वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और कॉट एक्स का हो गया माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर हो गया माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के प्रश्न को देखे। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे या फिर इस कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मेरे साथ साझा करेंगे, ठीक है। और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाते रहिएगा और इसी तरह प्यार करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो, खूब देखो, अरे माल बढ़िया रहेगा तो लोग देखबे करेगा ना, चीज देंगे बढ़िया लोग देखेगा।